गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते जी। मैं बोलियो, ये जानते हुए कि हम इस शहर के सबसे बड़े आदमी हैं, हमारे खिलाफ ऊटपटांग लिखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सुनो, हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा लोगे ना तो तुम्हारे हक में बहुत अच्छा होगा। दोस्ती शरीफों से की जाती है बरखुरदार, बदमाशों से नहीं। मैं बोले हो भाया, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। मतलब की बात कर और मतलब की बात सुन। और मतलब की बात यह है कि हमारे खिलाफ कलम चलानी बंद कर दे, कहीं हमारी कलम चढ़ गई तो तेरी। जो कहना था कह चुके, अब आप जा सकते। और जाते जाते एक बात हमारी भी सुनते जाइए, अपने आप को सुधार लीजिए, यही आपके हक में अच्छा होगा। अरे अच्छा बुरा तो तू अपने बारे में सोच, वही अच्छा होगा। मैं नहीं चाहूं कि मेरी खबर की बजाय कल तेरे अखबार में तेरी ही खबर छपे। शट अप, गेट आउट, मत बोलना आगे। मेरा नाम शमशेर सिंह है। अरे डॉली बेटा, आप अभी तक सोई नहीं? नहीं डैडी, हम आपका वेट कर रहे थे। नहीं बेटा, बहुत देर हो गई, रात हो गई है, चलो जाओ सो जाओ, सो जाओ। गुड नाइट डैडी। गुड नाइट पार्वती। ओ पार्वती, पार्वती जानती हो आज ऑफिस में शांति का फोन आया था, वो कल आने वाली है।
क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों लग रही हो? आज आपके ऑफिस में कौन आया था? अच्छा अच्छा, तुम उस शमशेर सिंह की बात कर रही हो। पार्वती वो इस शहर का सबसे बड़ा बदमाश आदमी है, मगर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? इसलिए कि अभी अभी उनका फोन आया था आपको समझाने के लिए कि अगर आपने उनके साथ अदावत की तो। हम ये सब सुन चुके हैं पार्वती, देखो तुम फिक्र मत करो, ऐसी धमकियां तो रोज सुनते हैं हम पेपर वाले। हमारी कलम की ताकत के सामने बड़े से बड़े एटम बम की ताकत भी कुछ नहीं होती। शर्मा जी, हमें आप पे नाज है। जिस दिलेरी के साथ आप इन गलत आदमियों का पर्दाफाश कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। जी शुक्रिया, लेकिन मेरी एक इल्तजा है आपसे भी और इस देश की सरकार से भी कि जिस तरह से हम लोग इतनी मेहनत से अपनी जान जोखिम में डालकर इन बेईमान लोगों को बेनकाब करते हैं, वैसे ही सरकार को भी चाहिए कि इनके खिलाफ ईमानदारी से तुरंत एक्शन ले, तभी तो हमारा लिखना सार्थक होगा, वरना हम लोगों की मेहनत तो जाया चली जाती है। सर आप चिंता मत कीजिए, जो चिंगारी आपने लगाई है वो एक दिन शोला बनके इन तमाम पापियों को भस्म कर देगी, ये मेरा आपसे वादा है। थैंक यू वेरी मच सर। सर, मैं शमशेर सिंह के खिलाफ एक्शन लेने को तैयार हूं, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत भी तो मिलना चाहिए। अखबारों में इतना सब कुछ पढ़ने के बावजूद आपको सबूत चाहिए? अखबार वालों का क्या है सर, उन्हें तो कुछ ना कुछ बुरा लिखने की आदत है। शमशेर सिंह की बुराइयां तो उन्होंने छाप दी हैं, लेकिन यह नहीं छापा कि शमशेर सिंह के बनाए हुए स्कूल चलते हैं, उनके बनाए हुए अस्पताल भी चलते हैं। कमिश्नर साहब, कांटों को अगर रेशम के कपड़े से ढक दिया जाए तो वो फूल नहीं बन जाते, कांटे कांटे ही रहते हैं। शमशेर सिंह के प्रति आपको अपना नजरिया बदल लेना चाहिए, इसी में आपकी भलाई है। यस सर। आप जा सकते हैं। ओके सर। आप हमें डरा रहे हो कमिश्नर साहब? डराना नहीं चाहते, समझाना चाहते हैं। हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि कुछ दिनों के लिए आप अपना कारोबार बंद कर लें तो अच्छा रहेगा। वाह, मैं बोल लूं, हम जो इतना रुपया पानी की तरह आप लोगों पर बहाते हैं वो इसलिए कि आप हमसे आकर बोल रहे कि हम अपना धंधा बंद कर दें? अरे होगा पावरफुल, हमने बड़े बड़ों के पावर्टी लेकर दिए। कमिश्नर, इस इलाके में एक ही आदमी पावरफुल है और वो है शमशेर सिंह, ठाकुर शमशेर सिंह। इंसान ढाता है इंसान पे उच्चतम, इंसान इंसान से बेहतर लगता है। ये क्या बदतमीजी है, आप लोगों की जरूरत कैसे हुई अंदर आने की? खबर छापने का बड़ा शौक है ना शर्मा, अब तेरी मौत की खबर कौन छापेगा? तुम अभी बच्चे हो, हम तो मर के भी तुम्हारी मौत की खबर छापेंगे। कौन है ये लोग, क्या चाहते हैं ये लोग, कौन है? तुम घबराओ मत पार्वती, अंदर जाओ। कुछ कुत्तों की आदत होती है भौंकने की, भौंक लेने दो इन्हें, भौंक के चले जाएंगे। हम पर हाथ उठाने से पहले जाकर अपने भाई शमशेर सिंह से पूछ लो, वो तुम्हें बताएंगे कि हम क्या हैं। पापा को ये ले, छोड़ दिया। डॉली, डॉली, डॉली।
मार साले को, मार। गुड बाय मिस्टर एडिटर। हमें शर्मा जी की मौत का सख्त अफसोस है। ऐसे ही होता रहा सर तो जनता तक सच्चाई कैसे पहुंचेगी? हम अपनी जान खतरे में डालकर सच्चाई लिखते हैं, इसके बदले में हमें क्या मिलता है? अगर आपने कुछ नहीं किया तो देखिए हम दिल्ली तक जाएंगे। शर्मा जी की कुर्बानी जाया नहीं जाएगी, हम इमीडिएट एक्शन लेंगे। आप लोग धीरज रखिए, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। यह है हिंदुस्तान का मशहूर स्मगलर शमशेर सिंह। ये शमशेर सिंह का भाई तेज सिंह, ये इसका खास आदमी पिंटो है, और ये भी इसका खास आदमी है जिसका नाम सुधीर है। ये मैक है, दिखने में दुबला पतला है लेकिन दो नंबर का काम करने में माहिर है। ये लड़की चन्नो नाम है इसका, लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड में इसका नाम नहीं है। ये लड़की शमशेर सिंह के साथ देखी गई है। एसपी कुंदन सिंह, इन बदमाशों ने सारे राजस्थान में स्मगलिंग का जाल फैला रखा है, और चीफ मिनिस्टर की खास हिदायत पर तुम्हें राजस्थान भेजा जा रहा है। एंड आई एम श्योर यू शैल डू द नीडफुल। जिस भरोसे के साथ ये जिम्मेदारी आप मुझे सौंप रहे हैं उसे पूरा करने के लिए मैं कोई कसर नहीं उठा रखूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मुझे तुमसे मोहब्बत है जमाने से नहीं हमदम, मुझे तुमसे मोहब्बत है जमाने से नहीं हमदम। ओ रब्बा हो, ओ रब्बा हो, ओ रब्बा हो, ओ रब्बा। मोहब्बत है जमाने से नहीं हमदम, मुझे तुमसे मोहब्बत है जमाने से नहीं हमदम। ओ रब्बा हो, ओ रब्बा।
है जमाने से नहीं हमदम। मुझे तुमसे मोहब्बत है जमाने से नहीं हमदम। की वफादारी और ईमानदारी पर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो बहुत जल्द हम सारे देश के ऊपर राज करेंगे। यूं कहिए ठाकुर साहब की पूरी दुनिया में राज करेंगे। ठाकुर साहब, पूरे इलाके में दहशत है आपके नाम की। अरे दहशत तब तक है जब तक हमारा राज है। यूं कहो कि गुंडा राज का दूसरा नाम ही दहशत है। क्यों इंस्पेक्टर सावंत और शन्नो, वर्दी तो तुम सरकार की पहनते हो लेकिन भाषा हमारी बोलते हो, क्यों ठाकुर साहब? सरकार से ज्यादा तनख्वाह जो दे रहे हैं ठाकुर साहब। सर जरा कमिश्नर से कह के मेरा प्रमोशन करवा दीजिए प्लीज। आपके कहने पे काम हो जाएगा, काफी दिनों से ड्यू है। कह देंगे कमिश्नर साहब हमारे पास आ जाने ही वाले हैं। एक्सक्यूज मी सर, बोल भाई। सर दिल्ली से नए एसपी साहब आए हैं, उन्होंने आपके लिए फूल और ये लेटर भेजा है। ए, पढ़ना बड़ा डिफिकल्ट है, जरा पढ़ तो क्या लिखा है नए एसपी साहब ने। श्री शमशेर सिंह जी, हम शहर के नए एसपी हैं। हम चाहते हैं आज की शाम आप लोगों के साथ गुजारें ताकि एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ सकें। उम्मीद है आप और आपके साथी हमारी दावत कबूल करेंगे। 7 बजे होटल अटलांटिक में हम आपका इंतजार करेंगे। आपका अपना एसपी कुंदन। ये नया एसपी कहां से आ गया? कमिश्नर ने तो हमें बताया ही नहीं। बड़ा चलाक है बड़े भैया, आते ही अपनी रोटी पक्की कर रहा है। हमें भी आदत है इन्हें टुकड़े डालने की, इसे भी डाल देंगे। लेकिन एक बात है भाई, हमें इसकी ये अदा बहुत पसंद आई। हम सब जरूर जाएंगे। हेलो एसपी कुंदन साहब, आप ही हैं ना? जी। चीफ मिनिस्टर जी आपका इंतजार कर रहे हैं। लो। गुड आफ्टरनून सर। अरे कुंदन, अरे कैसे हो? अच्छे हूँ सर। अरे क्या सर सर लगा रखा है, आओ बैठो। थैंक यू सर। अरे फिर सर, आप चीफ मिनिस्टर हैं सर। एक कुंदन, चीफ मिनिस्टर मैं बाद में हूँ, पहले तेरा दोस्त हूँ। बता भाभी कैसी? बिल्कुल अच्छी है सर। अरे देख, इस बार तूने सर कहा तो मैं एक लगाऊंगा तुझे। अरे तुझे देखकर कॉलेज की कितनी यादें ताजा हो गई। यू आर ग्रेट सर। कुंदन, मैंने तुम्हारा तबादला इस शहर में खास तौर से इसलिए करवाया है
क्योंकि हमारे यहाँ के चंद सियासतदान गुंडागर्दी करने लगे, अपनी पार्टी के ही लोग गुंडों को शह दे रहे हैं। इस बात का इल्म मुझे हो चुका है सर। देखो कुंदन, मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि हमारे इस शहर से गुंडागर्दी हमेशा के लिए खत्म कर दी जाए। इसका इलाज शुरू हो चुका है सर। इस शहर के नामचीन गुंडे आज नबज दिखाने मेरे यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, जुलाब दे दिया जाएगा। हमें आपके तोहफे का अंदाज बहुत पसंद आया एसपी साहब, इसीलिए हमने फौरन आपकी दावत कबूल कर ली। आपने बहुत ही अच्छा किया शमशेर सिंह जी, जो हमारी दावत कबूल कर ली। देखिए, मेलजोल से ही मेल मिलाप बढ़ता है। आपको हमारे साथ रहना है, हमें आपके साथ रहना है, और यूं समझिए कि हमारा आपका तो चोली दामन का साथ है। जब तक आप तब तक ये वर्दी है, मेडल है, तमगे हैं, वरना क्या है, कुछ भी नहीं। आदमी काफी समझदार हैं आप। समझदारों के साथ रहना है तो फिर समझदार तो बनना ही पड़ता है जी। मैं बोल रहे हो एसपी साहब, आपने सबसे ज्यादा समझदारी की बात तो ये की कि आते ही आपने हमसे मुलाकात कर ली। हम वक्त जाया करने के तो आदि ही नहीं, और फिर क्या कि जिंदगी बड़ी छोटी सी है। इसमें जो कर लो सो अपना। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जो करे सो काम और जो भजे सो राम। खूब निभेगी हमारे दोनों की। हमें भी वक्त जाया करने की आदत नहीं है। कितनी आदत मिलती है हमारी और आपकी है। एसपी बड़ा चालू लगता है, आते ही धंधे की बात शुरू कर दी। भैया को पटा रहा। क्या बात है भाई, एकदम चुप हो गए? ए मेरा छोटा भाई है एसपी साहब। अरे बड़ा प्यारा बच्चा है, तेजू नाम है ना इसका। आपको कैसे मालूम पड़ा? अरे हम आपके सब साथियों को जानते हैं, सबकी कुंडलियां पढ़ ली हैं हमने। अरे क्या हमारी कुंडली में क्या लिखा है एसपी साहब? मौत। थैंक यू। क्या जाओ थर्रा पीते हो आज, दारू 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 जाओ। मुझे तो एसपी साहब बहुत ऊंची चीज लगते हैं। एसपी साहब बहुत ग्रेट आदमी है, बोलता है दारू पियो दारू। तुमने दारू की बात तो सुनी लेकिन मौत की बात नहीं सुनी तुम्हारी। देखो एसपी साहब बहुत समझदार आदमी है, उनके साथ कोई बकवास मत करना, समझे? शराब भी बड़ी जालिम चीज है, ये साली अंदर जाती है तो दिल की बात जुबान पर आ जाती है। मैं आपकी बात बखूबी समझता हूँ एसपी साहब, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। सच? बुरा तो नहीं मानेंगे? हम पुलिस वालों की आदत जरा खराब होती है। इसमें बुरा मानने की क्या बात है, आप लोगों की आदतों से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। आप दिल खोल के बात कीजिए। शमशेर सिंह यू आर ग्रेट। आए तो फिर जरा बात करते हैं दिल खोल कर। शमशेर सिंह जी, आप इस शहर के मोहसिस आदमी हैं, बड़े ताकतवर आदमी हैं, आपके पास मसल पावर है, कितने हट्टे कट्टे लड़के आपके पास काम कर रहे हैं। आप चाहें तो मेरी बहुत मदद कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस शहर से ये स्मगलिंग, कत्लो गारत, चोरी चकारी, गुंडागर्दी सब खत्म हो जाए तो इस कुंदन सिंह की वर्दी पर एक आत्मगा लग सकता है। आप फिक्र मत कीजिए, हम आपकी वर्दी तमगों से भर देंगे। थैंक यू। लेकिन उससे पहले हम अपने साथियों के साथ कुछ सलाह मशवरा करना चाहते हैं। जरूर, क्यों नहीं, जरूर कीजिएगा। तो फिर अगली मुलाकात की तवक्को कब करूं? बहुत जल्दी होगी। सोने देना छोटे भाई। लगा दिया म्यूजिक। हिंदुस्तानी सर पे लाल टोपी, रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। सर पे लाल टोपी, रूसी फिर भी दिल है। अरे लॉर्ड, थैंक यू। मेरा जूता है जापानी। आप ही पढ़ेंगे, लीजिए।
मैं पढ़ता हूँ, मैं सुनाता हूँ। ज्योति माय डार्लिंग, क्या मांगा भगवान से? भगवान से कुछ मांगने की जरूरत है? आप हो, राजा है, मोती है, घर में सुख शांति है, और क्या चाहिए मुझे? जानती हो, अगर मुझे भगवान से कुछ मांगना पड़े तो मैं क्या मांगू? क्या मांगोगे? मैं भगवान से यही मांगूंगा कि भगवान दुनिया के हर पति को ऐसी ही पत्नी मिले। मगर आपकी नजर हर पति को कहां से मिलेगी? आपके प्यार ने मुझे इस लायक बना दिया। एक पपी प्रसाद दे दो। चलिए ना, ऑफिस का टाइम हो गया और आज पहला दिन भी है। हाँ, आज पहला दिन है। अरे मोती और राजा, आई शाबाश। थैंक यू डियर, लव यू। आज पहला दिन है शगन के तौर पर। एक दिन कौन है? गुड मॉर्निंग सर। बाय। राजा, राजा, टोकरी में 20 रुपए है, फ्रूट्स ले आ, जा। क्या भाई, क्या चाहिए? केला 10 रुपए दर्जन। लो भाई। चोर, चोर, पकड़ो, पकड़ो, मेरा पर्स ले गया। चोर, रुक जाओ, आगे बढ़े तो काट के रख दूंगा। कोई मेरी मदद करो, उस पर्स में मेरे पूरे महीने की तनख्वाह है। तुम ऐसे कोई मर्द नहीं है जो मेरी मदद कर सके। अरे कमाल कर दिया इन लोगों ने। अब ये देश जरूर तरक्की करेगा। अरे अरे, उधर कहाँ जा रहे हो? एसपी साहब के रूम में। अरे राजा, मोती खोल दी काली की धोती। सखाराम, आने दो अंदर। देखिए साहब, इन दोनों ने इस बेचारे का क्या हाल किया है। ये बेचारा नहीं, कोई कुत्ती चीज नजर आ रहा है मुझे। क्यों वे गुंडागर्दी की है? गुंडागर्दी की है? नहीं साहब। किसी लड़की को छेड़ा है? नहीं साहब। चोरी की है? नहीं साहब। देखिए सर, राजा कहते हैं कि इसने चोरी की है। हाँ साहब, चोरी की है। हाँ साहब, चोरी की है। राजा छोड़ दे इसे। सखाराम बंद करो इसे। यस सर, चलो। थैंक यू माय डियर कमांडोस, थैंक यू, थैंक यू। चलो चलो, घर चलते हैं। पूजा मोती, मैं समझ रहा हूँ जो तू समझ रहा है। नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। सर, आज ठाकुर शमशेर सिंह के जन्मदिन के मुबारक मौके पे हम आपको दावत देने आए हैं। अच्छा सर, आप जरूर तशरीफ लाइएगा। आपके आने से हमारे जलसे की रौनक और भी बढ़ जाएगी। आएंगे, जरूर आएंगे, और जलसे की रौनक भी बढ़ाएंगे। Thank you.
cabina and seeing the queen in London. Pretty señorita on the beach of España. Sitting on the Kamawati pyramid in Cairo. Lions and giraffes and flamingos in Kenya. Now we goes to India, man, the land of paradise. Oi, chadda! जयपुर जोधपुर कोलापुर शोलापुर घुमा मैं रामपुर सीतापुर कानपुर जो एंजॉय मैंने यहाँ किया वो लाइफ में मैंने कभी कहीं ना किया गारी गारी गा गारी गारी गा तू भी मिल के गा तू भी मिल के गा गारी गा अरे आ रे आ अरे आ रे आ ओ मेरे पास आ मेरे पास आ रे आ जवा बात जवा दिल के जज्बात जवा मिले जहाँ प्यार लगे यारो महफिल वहाँ कितना ढूंढा मैंने तुम्हें होके आया कहाँ कहाँ लॉस एंजलिस बॉम्बे लंदन न्यूयॉर्क पेरिस यहाँ वहाँ आजा मैं मनावा तेनु अपना बनावा तेनु देख लोग कुड़ी सोनी नच पई नच दीदी गुत खुल गई ओ नच दीदी गुत खुल गई सुन मेरी तो कहानी मैं हूँ तेरी है दीवानी मेरा दिल तो ये कहता है तुझे पहचाना है तुझे अपनाना है गारी गारी गा गारी गारी गा अरे अरे मनोहर कृष्ण कन्हैया यमुना के तट पे विराजे हैं चना नना 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 कान कान कांधा मोर मुगट पर कान में कुंडल कर में मुरलिया 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 बाजे हैं तातई तई तक तातई तई तक तान तिकट तिक इतने में ही दिखाई राधा चुम चुम चना नन चुम चुम चना नन निरकट कांत कांत चुम चना नन दशुम दशुम तक तेरा तिगड़िता काचो बापड़ पाको बापर थाली लोटा लोटा थाली काचो बापड़ पाको बापर इंग्लैंड च मनावांगे मनावांगे टम टुम सोनिए ते भंगड़ा पह लईए अरे मेरे जद घर घर गा मेरे जद गा
अरे ठाकुर साहब, आप बहुत रंगीन आदमी है और आपकी महफिल भी बहुत रंगीन थी। सच पूछिए, इस एसपी से भी नाचे बगैर नहीं रह गया। जिंदगी बड़ी छोटी सी है बाया, उसे जितना रंगीन बना के जी लो उतना ही कम है। कहीं कोई गोली लग गई तो मर जाओगे। मेरा मतलब है कि मर गए तो अफसोस होगा कि जिंदगी में कुछ किया ही नहीं। इसीलिए तो कहता हूं भाया कि जिंदगी के हर पल को खूब जोरदार तरीके से जियो। जो कुछ करना है करो, क्योंकि जिंदगी बड़ी छोटी है। ठाकुर, जिंदगी की बात पर एक बात हमें भी याद आ गई। ठाकुर, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जो साला डर गया वो मर गया। जिंदगी चाहे पल भर की हो या 100 बरस की, जियो तो मर्द बन के जियो। वाह वाह एसपी वाह, बहुत तरक्की करोगे तुम। एक बात कहूं, कुंदन सिंह की तरक्की की सीढ़ी तो आप भी हैं। आपका साथ रहा तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करूंगा। साथ आप कहां चाहते हैं एसपी साहब? आपको तो हमारी दोस्ती नहीं दुश्मनी चाहिए। ऐसा कहकर हमारा दिल न तोड़ो ठाकुर। सच पूछो तो हमें तो आपकी दुश्मनी भी दोस्ती लगती है। अगर आपको हम पे भरोसा नहीं तो फिर फैसला आपको करना है कि आपको हमारी दोस्ती चाहिए या दुश्मनी। वो कहते हैं ना कि पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। हाँ, हमने आपकी कल की बात पर बहुत गौर किया और सोचा कि ये उल्टे सीधे काम की जिंदगी किस काम की। हमने अपने साथियों से भी सलाह की, लेकिन उनकी एक प्रॉब्लम है एसपी साहब। प्रॉब्लम? अरे हमारे हो तो ये प्रॉब्लम कहो ठाकुर, क्या प्रॉब्लम है, यूं हल कर देंगे। अगर पुलिस का महकमा बंद हो जाए तो आप लोगों को सरकार कोई ना कोई नौकरी तो दे ही देगी, लेकिन हमारे भाई लोगों को कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नौकरी नहीं देगी। सैकड़ों लोग बेकार हो जाएंगे। इससे पहले कि हमारा कोई भी आदमी आपके साथ गुस्ताखी करे, बदतमीजी करे, हमारी आपसे एक नेक हदायत है कि आप अपना तबादला करवा के वापस दिल्ली चले जाइए। आखिर अपनी गंदी ज़हनियत का जहर उगल दिया ठाकुर। मैं दिल्ली जरूर जाऊंगा, लेकिन मेरे महकमे ने मुझे जिस काम के लिए भेजा है उसे पूरा करके जाऊंगा। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं ठाकुर, तुम और तुम्हारे आदमी एड़ी चोटी का जोर लगा लेना। मैं अब किसी को बख्शूंगा नहीं। भाया, हमने तो बहुत समझाया पर तेरी समझ में नहीं आया। इज योर क्वांटिटी जेंटलमैन कोकेन द बेस्ट क्वालिटी इन द वर्ल्ड, राइट? यू कैन टेस्ट इट। इज इट? व्हाई डोंट यू ट्राई इट? You make some great money out of it in your country. Go enjoy yourself, okay? How do you like it? Good. Good deal, gentlemen. Nice. Good deal. Thank you. SP Kundan Singh? SP Saab, aap yahan? स्मगलिंग ही नहीं, यहां की तमाम गलत कारियां खत्म करने के लिए मैं यहां आया हूं।
बास्टर्ड। फायर कर दिया, इसे कस्टडी में लॉक कर दो। ओके सर। एसपी साहब, जब से हमारा धंधा शुरू हुआ है, आज पहली बार किसी ने हमारे आदमी को पकड़ने की हिम्मत की है। आदमी और बैग हमारे हवाले कर दीजिए एसपी साहब, बैग के बदले बैग आपके घर पहुंच जाएगा। कुछ और कहना बाकी है? यही कि प्रीत से हमारा काम कर दीजिए, वरना रीत से करवाना हमें बहुत अच्छी तरह आता है। औरत साथ हो इसलिए आज कुछ नहीं कहता, आइंदा मेरे सामने ऐसी बदतमीजी की तो वो हशर करूंगा कि तुम्हारे पुरखों की रूह भी कांप उठेगी। Get out from here. नए नए आए हो एसपी साहब। नॉनसेंस। मैं हूं, मैंने किस किया है? ये कोई आने का वक्त है? देखो डार्लिंग, पुलिस डिपार्टमेंट में हूं, देर सवेर हो ही जाती है ना। अरे तुम लोगों ने खाना नहीं खाया अभी तक? तुम्हारे बगैर कभी खाना खाया? हाँ, कम से कम इन दोनों का ख्याल तो कीजिए। अरे मैं तो भूल ही गया था, ये दोनों भी मेरे बगैर नहीं खाते। तुम पति व्रता और ये मालिक व्रत, और मैं कुछ व्रत भी नहीं हूँ। अब चलो खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। मेरे रूठे हुए बलमा, मेरे रूठे हुए सजना, चलो अब मान भी जाओ, थोड़ा सा खाना खा लो। आप हर बात मजाक में टाल देते हैं, कभी सीरियस होने में सीख लीजिए। लो, पुलिस स्टेशन में भी सीरियस, घर में भी सीरियस। इस तरह सीरियस रहा तो मैं देवदास हो जाऊंगा। ठीक है, आज से मैं देवदास। पारो, एक बार थोड़ा खाना खा लो पारो, नहीं तो हम फिर से शराब पीना शुरू कर देंगे। पारो, हम फिर से शराब पीना शुरू कर देंगे। जब इतना हंस सकते हो तो थोड़ा खाना नहीं खा सकते? क्यों भाई, हमारी एक्टिंग कैसी रहेगी? अरे मधुबन मेरा देखा नाचे, रे गिर धर के मुरलिया बाजे रे। ठाकुर साहब। मधुबन। ठाकुर साहब। अरे आ शरणो आ। मैं पुलिस स्टेशन गई थी, वहाँ एसपी ने माल और पिंटो को छोड़ने से मना कर दिया है, यही ना? जी। एक खबर हमें पहले ही मिल चुकी है, इंस्पेक्टर सावंत का फोन आया था। तू चिंता मत कर, हमने वो एसपी के ताऊ को बुला लिया है, यहाँ कमिश्नर को, वो ससुरा यहाँ आता ही होगा। तू बैठ जा चोरी, बैठ जा चोरी, के शर्मा भी है। हाँ, बोल, के पीवेगी? आप तो जानते ही हैं ठाकुर साहब, मैं शराब नहीं पीती। छोरी, यही तो कमी है तुझमें, वरना तेरी सारी कमियां हम पूरी कर देते। मैं बोलूं छोरी, मान जा मेरी बात, अरे ठकुरायण बना के रखूंगा, राज करेगी राज। ठाकुर साहब, कमिश्नर साहब आए। बुढ़ा उसे। जी।
छोरी एक बात तो बता, ये हमारी सब खबरें पुलिस तक कौन पहुंचावे है? मेरे भी समझ में नहीं आ रहा ठाकुर साहब, लगता है कोई आप ही का दुश्मन होगा। नमस्कार ठाकुर साहब, आपने याद किया, हम हाजिर हो गए। लेकिन ये अचानक, कहिए कैसे याद किया? कमिश्नर, तुम्हारे नए एसपी ने आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। हमारे आदमी पिंटो को पकड़ लिया है, माल के साथ, लाखों का माल है। माल तुम्हारा, आदमी हमारा। हेलो, हम कमिश्नर सिंह बोल रहे हैं, इंस्पेक्टर सावंत को फोन दो। हेलो, हाँ भाई सावंत। यस सर। भाई तुम्हारी लॉकअप में ठाकुर साहब का आदमी पिंटो बंद है। यस सर। उसे और जब्त शुदा माल को छोड़ दो। लेकिन सर वो एसपी कुंद, हमने कहा उसे छोड़ दो, ये हमारा हुक्म है। ओके सर। ठाकुर साहब, हमने तो आपका काम करवा दिया, अब आप भी हमारा जरा ख्याल रखिएगा। सुनो। यस सर। सावन से कहो पिंटो को लेकर आए। पिंटो को तो रात को छोड़ दिया सर। किसने छोड़ा? मिस्टर साहब का फोन आया था। कमिश्नर साहब, एसपी कुंदन सिंह आपके होश तो ठिकाने हैं। जानते हैं आप हम पर क्या इल्जाम लगा रहे हैं? इल्जाम नहीं सर, ये हकीकत है। क्या मतलब है आपका? मतलब सीधा है सर, मुलजम पिंटो को हमने ब्राउन शुगर के साथ रंगे हाथों पकड़ा था और आपने उसे लॉकअप से छुड़वा दिया। एसपी कुंदन सिंह। यस सर। इंस्पेक्टर सावंत, जरा साहब को बताओ कि माल तुमने अपने हाथों से कस्टडी में रखा था। सर कौन से माल की बात कर रहे हैं आप? इंस्पेक्टर सावंत, आर यू ऑलराइट? नहीं सर, आपने मुझे कोई माल नहीं दिया। आई एम सॉरी सर, आई एम रियली वेरी सॉरी, आपको खामखा परेशान किया, इजाजत चाहता हूं। हाँ बोल लो कमिश्नर, क्या बात है? एसपी को इस बात का पूरा यकीन हो गया है कि मैंने ही पिंटो को लॉकअप से निकलवाया। आज तो मैंने किसी तरह मैनेज कर लिया, मेरी राय मानो तो इस एसपी का फौरन इंतजाम करवा दो, वरना तुम्हारा सारा धंधा चौपट हो जाएगा। लगता है कि एसपी का नहीं इंतजाम तुम्हारा करना पड़ेगा कमिश्नर, बड़े डरपोक हो गए हो तुम। एसपी कुंदन सिंह, तुम अब तक गए नहीं, इस तरह क्या देख रहे हो? देख रहा हूं पुलिस की वर्दी में कितना बड़ा शैतान छुपा है। आपको अपने सीनियर ऑफिसर से बात करने की तमीज होनी चाहिए। आपकी सीनियरिटी और वर्दी की इज्जत की है मैंने, जो उस वक्त मैंने उस इंस्पेक्टर के सामने आपसे कुछ नहीं कहा, वरना आप जैसे गंदे खेल खेलने वाले खिलाड़ियों को बहुत सबक सिखा चुका हूं मैं। कुंदन सिंह, लंका में रावण पैदा हो तो बात समझ में आती है, लेकिन अयोध्या में रावण पैदा होने लगे तो अयोध्या का क्या होगा? पुलिस वाले ही पुलिस डिपार्टमेंट में हेराफेरी करने लगे तो। कुंदन सिंह, होश में बात करो। चेखिए मत, आप तो कुछ भी कहने के लायक नहीं, शर्म आनी चाहिए आपको। आपने कभी सोचा है सर ब्राउन शुगर की वजह से उन बच्चों पे क्या बीत रही होगी, उनके मां बाप कितने दुखी हो रहे होंगे? कमिश्नर, घर जाकर आईने के सामने अपनी आत्मा से बात कीजिए, आपकी आत्मा आपको बताएगी कि आप कितने बड़े गुनहगार हैं। बर्दाश्त की भी हद हो गई, आगे एक भी शब्द कहा तो। कमिश्नर साहब, ये नीच और घटिया ख्यालात अपने दिमाग से निकाल दीजिए और आहिरास पर आ जाइए। कहीं ऐसा ना हो ये जंग जो यहां के गुंडे बदमाशों के साथ लड़ने के लिए मैं आया हूं, वो जंग आपके साथ लड़नी पड़ जाए। और डरिए मत, ये जो कुछ अपने दोनों के बीच हुआ है ना, ये दोनों के बीच ही रहेगा, किसी तीसरे को कानो कान खबर नहीं होगी। इजाजत चाहता हूं। पुलिस की वर्दी पहनकर पुलिस डिपार्टमेंट से खतारी करते हो?
अपने बाप पिंटो को किसके कहने पर छोड़ा था? और कहां गया वो बैग? मैं कुछ नहीं जानता। मैं सब जानता हूं कि वो बैग कहां गया और ये सब किसके कहने पर हुआ। I suspend you right now. Get out from here. Get out! चार सौ पैकेट शाम तक सारे बिक जाने चाहिए। कोई उधार नहीं, हार्ड कैश, समझे? ओके ओके। मुझे दो पैकेट दीजिए, मुझे प्लीज प्लीज मुझे पैसे दे दीजिए। चलो नेक्स्ट, ऐसे निकलो। हाँ जिंदगी में कोई कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी। आप फिक्र मत करो, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। भाई मैं जानता हूं कि ये एसपी कुंदन सिंह ने हम सब लोगों की नाक में दम करके रखा हुआ है, पर आप चिंता मत करो, मैं वो होम मिनिस्टर साहब से कह के इस आदमी का जल्दी यहां से तबादला करवा दूंगा। ठाकुर साहब, एसपी साहब आए। आइए आइए एसपी साहब। कहिए ये अचानक कैसे आना हुआ? बस इधर से गुजर रहा था, सोचा आपके दर्शन करता चला। बहुत अच्छा किया, तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। मेल मिलाप से ही ताल्लुकात बढ़ते हैं। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अजी क्या बात कर रहे हैं, सेवा करना तो हम पुलिस वालों का काम है। जनाब ये एक छोटा सा तोहफा है आपके लिए। इसकी क्या जरूरत थी? ये लेन देन से ही ताल्लुकात बढ़ते हैं। समझ गया समझ गया। वो कहते हैं ना कि खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे। परवाने दो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। दीवाने दो। अब आगे आगे देखिए एसपी साहब, हम दोनों मिलकर पूरे शहर पे राज करेंगे। हाँ बिल्कुल राज करेंगे जनाब। कोई खास तोहफा होगा? अजी खास आदमियों के लिए खास तोहफे ही होते हैं। ये क्या? ब्राउन शुगर, मौत का सामान, तुम्हारी मौत का सामान। नहीं, ये सब तुमने मेरे हाथ में दिया है। बिल्कुल हमने आपके हाथ में दिया है। जब आप अपना माल लॉकअप से निकलवा सकते हैं, अपने आदमी को छुड़वा सकते हैं, तो क्या हम आप ही का माल आपके हाथ में देकर आपको अंदर नहीं करवा सकते? ये सब धोखेबाजी है। मैं आईजी साहब से शिकायत करूंगा, मुझे झूठे इल्जाम में पकड़ने के लिए तुम्हें सस्पेंड करवा दूंगा। ये जब होगा तब देखा जाएगा। फिलहाल आप बाहर चलिए, आपका बैंड बाजा बजवाते हैं। आहिस्ता बोलिए, गला बैठ जाएगा। आ,
रुक जाओ एसपी, तुम जानते हो तुमने शेर के मुंह में हाथ डाला है। शट अप। ये डायलॉग बहुत पुराने हो चुके हैं, ज्यादा बकवास की ना तो मुंह तोड़ दूंगा। इलाके में अपनी इज्जत का जुलूस कैसा लगा है? एसपी, तुमने ठाकुर शमशेर सिंह को बंद तो कर दिया है और ये ठाकुर छूट भी जाएगा, लेकिन याद रख, तूने जो सलूक हमारे साथ किया है वो हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। थक गए हो तो भौंकना बंद कर दो ठाकुर, बावले हो जाओगे। आपने ठाकुर साहब जैसे बड़े आदमी को गिरफ्तार करके कमाल कर दिया। आपने उन्हें किस जुर्म में गिरफ्तार किया है? ठाकुर साहब इस शहर के पावरफुल आदमी हैं, उन्हें गिरफ्तार करते हुए आपको डर नहीं लगा? उनके खिलाफ क्या सबूत है आपके पास? देखिए, कल जब पुलिस उसे अदालत में पेश करेगी आपको अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। फिर भी प्रेस वालों को कुछ तो बताइए। हाँ सर। आई एम सॉरी, आज मैं कुछ नहीं बता सकता। सर फिर भी सर। कुंदन कुंदन कुंदन, समझता क्या आपने आपको? वो उसने हमारे भाई को गिरफ्तार करके हमारी शान को ललकारा है। जितना पैसा चाहिए पानी की तरह बहा दो, 24 घंटे में मुझे मेरा भाई वापस चाहिए। Do you understand? Yes, sir. जल्दी करना, मुझे काम के लिए देर हो रही है। ऐसा भी क्या काम है? जब भी देखो काम काम काम, काम के अलावा भी कुछ आता है कि नहीं? एक काम आता है और बहुत अच्छी तरह आता है, बता दूं? मैंने बता दे छोड़ो ना, बच्चे दिख रहे हैं। जाओ। तो मैं क्या बता रहा था? जब भी देखो शरारत करते रहते हो। चलो ना, नाश्ता ठंडा हो रहा है। अरे उस नाश्ते को मारो गोली, जहाँ इतना प्यारा नाश्ता हो उस नाश्ते को। कौन कबड्डी की प्लेयर है हमारी बेगम? एक बात पूछो। पूछो। मानोगे? क्यों नहीं मानूंगा जनाब, आज तक आप ही की तो मानता है। आपका ट्रांसफर दिल्ली वापस करा लीजिए। क्यों, ये शहर पसंद नहीं है आपको? शहर पसंद है, लेकिन यहाँ के लोग। कल एक गुंडे को आपने पकड़ा था, सुना है बहुत खतरनाक है। वो साला शक्ल से जल्लाद लगता है, दिल का तो बेचारा मोम है मोम। आप तो हर बात मजाक में टाल देते हैं। देखो डार्लिंग, पुलिस वालों का काम खतरों से खेलना है। प्लीज आप मजाक मत कीजिए, पता नहीं मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। हमें वापस दिल्ली चले जाना चाहिए। ज्योति, क्यों अपने पति के नाम पर बुजदिली का दाग लगाना चाहती हो? हमारे डिपार्टमेंट ने मुझे खास मिशन पर यहाँ भेजा है, मुझे शहर से जुर्म का नामो निशान मिटाना है। ओफो, आप समझते क्यों नहीं? ज्योति, ए ज्योति, जब तक तेरा प्यार मेरे साथ है, भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। देख, दफ्तर का वक्त हो गया है, जल्दी से मेरा कोट ले। जनाब लाइए। थैंक यू, जो स्वीट। चल दो। सॉरी ठाकुर साहब। कुंदन सिंह, जाने से पहले मैं तुझे ये बताने आया हूं कि मैंने ये इंतकाम की चादर ओढ़ ली है। ये चादर मेरे कंधों से उस दिन उतरेगी जिस दिन मैं तुझे सरेआम जलील करके हवालात के अंदर बंद करवाऊंगा। खैरिये शमशेर सिंह जी, बहुत ही अच्छा किया जो आपने ये चादर ओढ़ ली। इसका ये जो भगवा रंग है, कम से कम कुछ दिनों तक जिल्लत और रुसवाई के उन दागों को छुपाए रखेगा जो हमने आपको शरेआम दिए। इस चादर को उतार कर फेंकना नहीं, क्योंकि हम आपको ऐसी जगह मारने वाले हैं जहां कफन नसीब नहीं होता, और उस दिन यही चादर आपके काम।
बड़े भैया, एसपी ने जो आपकी बेइज्जती की है उसका हिसाब तो चुकाना ही पड़ेगा। ठाकुर साहब, हम उसके खानदान का नामो निशा मिटा देंगे, उसे जान से मार देंगे। ठाकुर साहब, आप कहें तो उसे पुलिस स्टेशन में गोली मार दें। नहीं, हमें मारना नहीं है। नहीं मारेंगे हम उसे, उसे जिंदा रखना है। मुझे अपना इंतकाम लेना है उससे, अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेना है। उसे ऐसा जलील करूंगा कि अपनी ही मौत शर्म से मर जाएगा वो। काम काम काम, वक्त का ख्याल ही नहीं। आ गए आप, और देर से आते, जानते हो आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन है जी? आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। जानता हूँ, आज हमें उम्र कैद हुई थी। क्या, अपनी शादी को उम्र कैद कहते हो? हमारे खाने पीने, बैठने उठने, सोने जागने पर तो आपका कंट्रोल है, ये उम्र कैद नहीं तो और क्या है? अच्छा, आज उम्र कैद लगने लगी है, भूल गए वो दिन? शो होने के बाद मेरे पीछे पीछे आए थे और कहने लगे कि ज्योति, तेरे घुंघरू की आवाज ने मुझे पागल कर दिया है, तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता, अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगा, कहा था ना? हाँ हाँ, इसीलिए तो आज तक घुंघरू की तरह बज रहा हूँ। अरे कहाँ जा रही है मेरी डार्लिंग, माय स्वीटहार्ट, माय च्युइंगम? वो दिन हम कैसे भूल सकते हैं? उस दिन तुम नाच तो स्टेज पे रही थी, लेकिन हमें लग रहा था जैसे तुम हजारों अप्सराओं के साथ पूरी कायनात, पूरी सृष्टि पर रक्स कर रही हो, और तुम्हारे घुंघरू की आवाज में पागल दीवाना बावरा होकर ये पुलिस ऑफिसर भी बैचू बावरा बन गया और तुम्हारे रक्स में शामिल हो गया और गाने लगा, घुंघरू हाय घुंघरू उई घुंघरू। Thank you.
छन बाजे घुंगरू आह घुंगरू जो बाजे तेरे घुंगरू आह घुंगरू बजते आए कहत कबीर सुनो भाई सादो कहत कबीर सुनो भाई सादो घुंघरू टूट न जाए। छन छन बाजे घुंघरू आह घुंघरू आह घुंघरू क्यों बाजे ये घुंघरू आह घुंघरू आह घुंघरू साहब बोल रहा हूँ। शमशेर सिंह का स्मगलिंग का ट्रक हाईवे चेकपोस्ट से गुजरने वाला है। ट्रक का नंबर है 8434। आप कौन बोल रही हैं? शमशेर सिंह की दुश्मन। डार्लिंग इमरजेंसी। ये इमरजेंसी या वो इमरजेंसी? क्या करूं, ड्यूटी इज ड्यूटी ना। हाँ हाँ, तुम्हारी शादी तो ड्यूटी से हुई है, मुझसे थोड़ी। नहीं नहीं, देखो अब ड्यूटी ब्यूटी ड्यूटी ब्यूटी, अब ड्यूटी और ब्यूटी के बीच में तो सेंटर करो, और कहाँ जा तुम? अब जाऊं जी, हंस दो ना, ऐसे नहीं अच्छी तरह हंसो ना। अल्ले मैं मर जाऊं। बोल, किस कमाल है? शमशेर सिंह। शमशेर सिंह चल, जब तक एसपी कुंदन सिंह जिंदा रहेगा ऐसा ही होगा। मुझे एसपी चाहिए 24 घंटे के अंदर अंदर। Thank you.
हमने इस शेर को सर्कस के पिंजरे में लाकर बंद कर दिया है। शेर जंगली जानवरों में रहे या शहर की भेड़ बकरियों में, शेर शेर ही रहता है। मैं इसे गोली मार दूं दादू। तेजू, हम इसे इतनी आसानी से नहीं मारेंगे। हम इसे जिंदा रखेंगे क्योंकि ठाकुर शमशेर सिंह को जिंदा रहना है। हम इसे जीती जागती मौत देंगे, इसे तड़पा तड़पा के मारेंगे, शहर की सड़कों पर इसे जलील करेंगे, जेल की सलाखों के पीछे बंद करवाएंगे इसे। जब तक हम ये सब कुछ ना कर ले तब तक ये जिंदा रहेगा, जिंदा। बहुत जानदार है कुंदन सिंह की जान, ये तब तक साथ नहीं छोड़ेगी जब तक मैं तुझे मौत की नींद नहीं सुला देता। खामोश, मारो इसे, इतना मारो कि इसकी चीखों से जमीन और आसमान कांप उठे। ये पागल कुत्तों की तरह दीवारों से सर पटकता फिरे, लेकिन खबरदार, ये मरने ना पाए, ये मरने ना। मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं? वो वहां है सर। मेरा एक ही निवेदन है कि आप अपने आपसी मतभेदों को भूल जाइए और देश के बारे में सोचिए। आप जरा सोचिए देश में हो क्या रहा है, ये दंगे फसाद, ये खून खराबा, ये मारपीट, और इसके जिम्मेदार कौन है? कौन है इसके जिम्मेदार? हम सब। देखिए, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने स्वार्थ और अहंकार को कुछ देर के लिए भूल जाइए, इसी में देश का भला है। अब जाके सोचिए इसके बारे में। गुड मॉर्निंग सर। कहिए सर, कैसे याद किया? ये कितने शर्म की बात है कि पुलिस महकमे का इतना बड़ा अफसर एसपी कुंदन सिंह 2 दिन से लापता है। सर, हम लोगों ने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। तो फिर क्या, उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? देखिए कमिश्नर साहब, 2 दिन के अंदर अंदर मुझे एसपी कुंदन सिंह चाहिए। यस सर। मिलेगा मुख्यमंत्री जी, जरूर मिलेगा। ठीक है, चल बे पापा। पहले तू तो डाल। हेलो यार। अरे चल रहा हूँ यार। अरे जी, अबे चल ना। क्या यार, पत्ता कहाँ से आएगा ये जो सर पे खड़ा है? कुत्ते, रुक जा बचे, इसे तो मैं देखता हूँ। कुत्ता बोला। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुंदन साहब इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। एसपी कुंदन सिंह, यह है ईमानदारी और वफादारी का इनाम। क्यों, कैसा लग रहा है? हाँ, थप्पड़ मारकर सस्पेंड कर दिया था मुझे। दिल्ली से आए थे गुंडागर्दी मिटाने। क्यों, हम सबको मिटाने आया था। मिटा कर तो अब भी जाऊंगा। हमें मिटाने में तुम खुद मिट जाओगे एसपी। ये मिटने मिटाने की बातें छोड़ो और अपने बारे में सोचो, हमसे हाथ मिला लो, सुखी हो जाओगे। वर्दी पहनी है तो इस वर्दी का सही इस्तेमाल भी करो, जितने नोट बना सकते हो बनाओ, बुढ़ापे में यही नोट काम आएंगे, वरना रिटायर होने के बाद कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा तो पीतल का एक मामूली तमगा, जिसे बेचने के बाद शायद तुम एक वक्त की रोटी भी नहीं खा सकोगे। वाह 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 कमिश्नर साहब, कितने ऊंचे हैं आपके विचार और कितने ऊंचे हैं आप। अब हिंदुस्तान जरूर तरक्की करेगा। एसपी
आई साहब की मौत का बेहद अफसोस है भाभी जी। नहीं, मेहरबानी करके ऐसी अशुभ बात अपनी जुबान पर मत लाइए। मेरा दिल कहता है उन्हें कुछ नहीं हो सकता। आप उन्हें ढूंढने की कोशिश कीजिए। मैं आपके जज्बात समझता हूँ भाभी जी। यकीन कीजिए, हमने इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन भाई साहब का कहीं पता नहीं चला। बेईमानों ने एसपी साहब से ऐसा बदला लिया कि उनकी लाश को भी क्रियाकर्म के लिए नहीं छोड़ा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं बोलूं, क्या बात है कमिश्नर साहब, आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं आज। एसपी कुंदन सिंह की पत्नी आई थी, अपने पति के लिए बहुत तड़प रही थी। उसकी ये तड़प देखकर दिल खुश हो गया। साला हमें सुधारने आया था। पर एक बात पक्की है ठाकुर साहब, वो मुख्यमंत्री से मिलने जरूर जाएगी, कहीं ये चिंगारी शोला ना बन जाए। कमिश्नर साहब, हमें इन चिंगारियों और शोलों से खेलना बहुत अच्छी तरह से आता है। शन्नो, बहुत याराना हो गया उसे। हाँ, अरे जान मेरी, हम में क्या नहीं है जो साले एसपी में है। आग हूं, हाथ लगाओगे तो जल जाओगे।
चल पहले एक एक बियर मार देते हैं। चल जल्दी चल यार। तू भी कमाल करता यार। चल हो जाए पार्टी। हाँ देखो तुम हमेशा टेंशन में रहते हो सर। तुम यू शुड एंजॉय योर लाइफ। हमारे साथ रहोगे तो जिंदगी में ऐश करोगे। समझे? How sweet! Oh, cigarette! तुम होशियार रहना, किसी को ऊपर मत आने देना, समझे? ओके ओके। ठीक है ना? हाँ ठीक है। जरा उधर भी ध्यान रखना। अच्छा ला यार सिगरेट निकाल, एक एक कश लगाते। हाँ यार बहुत तलब लग रही है। अब तक तो कोई खतरा नहीं है। हाँ आजा। मेरे क्या मालूम? अपने सिवा है कौन यहाँ? मेरे कुछ मालूम नहीं भाई। बदतरी तो अबे लड़ना मत। क्या क्या बदतरी तो जा लग जा ड्यूटी पर। ठीक है और फिर वो चला गया। मैं भी होली है उसके पीछे पीछे। अब मैंने उसके पागल हो गए। चलो अंदर। ओए गिरी गिरी गिली 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 पास शॉग गिली गिली पास शॉग गिली गिली याहू 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 याहू।
तुम्हारे राज क्या मल रहा अभी तक? ला, अरे काय को झगड़ रहे हो? सबर नाम की कोई चीज है कि नहीं यार? सबर कर। अरे यार कुत्ता भौंकने की आवाज आ रही है उधर से। कुत्ता? हाँ। कहाँ है कुत्ता? अभी आवाज आई थी उधर से। अबे तू ही दिन भर बकबक करता रहता है, कुत्तों की तरह भौंकता रहता है। चल हट, चल चल। राम सिंह। हाँ साहब। देख जी साहब, मैं उधर से होके आता हूँ, तू इधर का ध्यान रखना, समझ गया ना? समझ गया साहब। अरे पड़ रहा राजा मैं तो। अबे बाजी चल, देख क्या रहा है? तेरी चाल है, चल सर विकी सर। अबे डाल ना 50 प्राइम। अरे यार पता ही नहीं आते बैग। चल ना मेरा महबूब। आजा ये शो। चल बस डर गए। ये लो 50 ब्लाइंड। मेरे पैसे किसने उठाए यहां से? मुझे क्या मालूम। क्या मालूम? अरे मेरे पैसे यहां। तुम्हारी हमेशा की यही आदत है, जब कभी हारोगे हमेशा कहते हो मैंने पैसे उठाए तुम्हारे। तुमने उठाए मेरे पैसे? अबे जास्ती बात नहीं करने का मेरे से। अरे मेरे पैसे यहां से। शट अप, मैंने नहीं उठाए यार, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा ही नहीं। बकवास करता है साला। अबे बैठ ना। चोर साला, मेरे पास बहुत पैसे हैं। अबे मेरी जेब से बटुआ किसने निकाला? मुझे क्या मालूम, मैं क्या चोर हूँ क्या? अबे चोरी था, बटुआ जेब से निकाल के बोलते मैं कुछ चोर हूँ क्या? चोर कह के मुझे मारता है। मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। अरे कहाँ भाग रहा है साले? चल तेरी चाल है। अरे यार इतना भी क्या बुरा मान गए? मैं आदमी से बंदर बन गए, बंदर।
ज्योति, ज्योति देख मैं आ गया हूं। हाँ उठ लो। ऐसे क्या देख रही है, क्या हुआ तुम्हें, तू बोलती क्यों नहीं, मुझे पहचानती नहीं, मैं कुंदन। ज्योति 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 क्या हो गया तुम्हें, क्या हुआ ज्योति? नहीं ज्योति, ज्योति आपको मालूम है मेरा दिल बोल रहा था, आपको कुछ नहीं होगा। ज्योति तेरी दुआएं मेरे साथ हैं, तेरा प्यार मेरे साथ है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुंदन सिंह, अरे कुंदन ये जख्म तो भर जाएंगे सर, लेकिन उन जख्मों का क्या होगा जो भारत मां के सीने पर लगे हैं। जब तक इस देश में कुंदन सिंह जैसे अफसर मौजूद हैं, भारत मां के सीने पर एक खराश नहीं आ सकती। कुंदन मुझे बहुत अफसोस है यह सब कुछ हुआ, मुझे यहां स्टेट में शांति चाहिए, चैन चाहिए, सुकून चाहिए। एज चीफ मिनिस्टर मैं तुम्हें फुल पावर देता हूं, तुम शांति के लिए जो करना चाहो कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू सर, आई डू माई बेस्ट टू फिनिश देम, आई विल फिनिश देम। ठाकुर साहब क्या बात है कमिश्नर साहब, बड़े घबराए हुए से लग रहे हैं आप। एसपी कुंदन सिंह आजाद होकर यहां से चला गया है। हम जानते हैं, लेकिन घबराइए मत, हम उसे फिर से पकड़वा लेंगे। शेर जब बंधा होता है तो वो सर्कस का होता है, लेकिन जब वो आजाद हो जाता है तो वो जंगल का शेर हो जाता है। कुंदन सिंह हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। कमिश्नर, हवा के झोंके से कश्ती डगमगा जाए तो वो तूफान से क्या टकराएगी? अरे हम तो वो चट्टान है जिससे टकराकर तूफान भी अपना दम तोड़ देता है। दम तो मेरा निकला जा रहा है ये सोचकर कि डिपार्टमेंट मुझे नहीं छोड़ेगा। सबसे पहले कुंदन सिंह मुझ पर हमला करेगा क्योंकि मैंने वर्दी की बेइज्जती की है। इस तरह से डरपोक बनकर हमें डराओ मत कमिश्नर, हम तुम्हारी नौकरी को किसी किस्म की आंच तक नहीं आने देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम होम मिनिस्टर से भी तुम्हारे बारे में बात कर लेंगे। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ठाकुर साहब, क्योंकि मैंने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठो। नो इट्स ओके सर। बैठो बैठो। थैंक यू। शमशेर सिंह के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी है? जी जरूर शमशेर सिंह के साथ तुम्हारी दुश्मनी है जो उन लोगों के साथ तुमने बगावत की। मैं उन सब लोगों को खत्म कर दूंगी सर। क्यों, हमसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं, हमें सब कुछ सच सच बता दो, हम तुम्हारी हर मुमकिन मदद करेंगे। सर मैं एक लॉ की स्टूडेंट थी, मेरे एक भाई थे, भाभी थी, उनकी बच्ची थी, हमारी बहुत खुशहाल जिंदगी थी, लेकिन अचानक जिंदगी ने एक ऐसा करवट लिया कि हर चीज तिनके की तरह बिखर गई। मेरे भैया शहर के बहुत नामचीन जर्नलिस्ट थे जिन्होंने शमशेर सिंह का पर्दाफाश कर दिया था, और उसी बात को लेकर शमशेर सिंह ने जिस बेरहमी से मेरे भाई के खानदान को खत्म किया, उसी बेरहमी से मैं शमशेर सिंह के खानदान को खत्म कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी उसे, बर्बाद कर दूंगी। टेलीफोन पर शमशेर सिंह के खिलाफ खबर तुम देती थी ना? जी सर, शमशेर सिंह की बर्बादी से मुझे खुशी मिलती है सर, ऐसा लगता है कि मेरे भाई की आत्मा को शांति मिल रही हो। हम दाद देते हैं तुम्हारी दिलेरी की, मगर शमशेर सिंह जैसे खूंखार आदमी की ताकत से तुम टकरा सकोगी? मैं जानती हूं सर,
वो बहुत ताकतवर आदमी है, लेकिन मेरी बदले की भावना के आगे उसकी ताकत बहुत छोटी पड़ जाएगी। हम तुम्हारे जज्बात समझते हैं, लेकिन कानून को कभी हाथ में मत लेना। अब वादा करते हैं तुम्हारे हर आंसू का जवाब शमशेर सिंह से हम लेंगे। क्यों शन्नो, मिल के आ गई ना उस साले एसपी से? साला अपुन का माथा उसी टाइम ठनक गया था जब तू उसको पानी पिला रही थी। शायद तू भूल गई कि ठाकुर की अदालत में गद्दारों को क्या सजा दी जाती है। काम एसपी कुंदन का है भैया, वो अपने हर घाव का बदला लेगा हम सबसे। कहाँ है कमिश्नर? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? तू सब बताएगा। बोल कहाँ है तेरा बाप? बोल कहाँ है कमिश्नर? छोड़ दे, मुझे छोड़ दे प्लीज। मैं सब कुछ बता देता हूँ। छोड़ दे मुझे प्लीज, मैं बता देता हूँ। कौन है भाई? रघु शरु जगु Ah!
मुझे माफ कर दो कुंदन सिंह, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो एसपी साहब, माफ कर दो। तुम क्या समझे थे कागज के टुकड़े पर इस्तीफा लिखकर अपने गुनाहों से छुटकारा पालोगे? नहीं कमिश्नर, नहीं। मुझे बख्श दो एसपी साहब, अगर मैं मर गया तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मुझे माफ कर दो, मुझे मौत से बहुत डर लगता है, मुझे मौत से बहुत डर लगता है। मौत से डर लग रहा है? उस वक्त मौत से डर नहीं लगा जब उन मासूम जिंदगियों से खेल रहे थे? मैं दौलत की लालच में पागल हो गया था। अच्छा, पागल हो गया था तू? मैं भी पागल हो गया हूँ, पागल मैं भी हो गया हूँ कमिश्नर। उन मासूमों की चीखें सुन सुनकर पागल मैं भी हो गया हूँ, तेरी काली करतूतें देख देख कर। और ये पागलपन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक तुम जैसे गद्दारों का खात्मा नहीं कर देता। तुम लोगों की वजह से पुलिस का पूरा महकमा जनता में बदनाम हो चुका है, और बदनामी की ये कालक आज आज मैं तेरे खून से धोऊंगा। कुंदन सिंह, कुंदन सिंह, मुझे जान से मत मारो। तुम जहां कहो, जिसके सामने कहो, मैं अपने गुनाह कबूल करने को तैयार हूं। अरे बताओ, बड़ी चर्चा हो रही है आपके शहर में। मैं पूछती हूँ, हर आदमी से दुश्मनी क्यों मोल लेते हो? हमें क्या करना है? ये तुम कह रही हो? मेरी ज्योति कह रही है, जो हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया करती है। ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? न जाने मुझे मुझे क्यों डर सा लग रहा है। मेरी सलाह मानो, वापस दिल्ली चले चलो। मेरे लिए नसी, अपने बच्चे के खातिर। देखो, इस तरह बुजदिली की बातें करोगी तो इसका असर अपने बच्चे पे पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता हमारा बच्चा बुजदिल पैदा हो। मैं चाहता हूँ कि हमारा मुन्ना मुझसे भी ज्यादा बहादुर हो, और मुझे यकीन है वो ऐसा ही होगा। क्या सोच रही हैं आप? अपने मुन्ने को देख रहा था, वर्दी पहने एकदम चाबा सिपाही लग रहा था। ये क्या ओढ़िया बना रखा तुमने? एसपी, एसपी कुंदन सिंह से बड़ा डर लग रहा है, वो हमें से किसी को नहीं छोड़ेगा। सर, क्या बकवास कर रहे हो तुम? सर, कमिश्नर साहब को गधे पे बिठा कर सारे शहर में घुमा दिया, पता नहीं मेरा क्या हशर करेगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं मुंह छुपा कर अपने गाँव भाग जाऊंगा। वो बड़ा खतरनाक आदमी है सर। एसपी, 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 तुम लोग नामर्द हो गए हो क्या? एसपी ने वाह। हेलो, हाय बेबी, कहाँ जाना है? छोड़ देता हूँ, चल हट। अरे इतना भी क्या शर्माना, आजा अंदर आजा। अरे धूप में काली पड़ जाएगी, आजा आजा, कम ऑन। फंस गई सारी। कहाँ रहती हो गुलबदन? कब्रिस्तान में। वाह, क्या रोमांटिक जगह है। क्या कब्रिस्तान? हाँ। क्या मजाक कर रही हो, सच बोलो ना, कहाँ जाना है? जहाँ अपने आप को बचा सकूं। क्यों, किसी का डर है? हाँ, दुश्मनों का डर है, वो मेरी जान के पीछे पड़े हैं। अरे मेरी बाहों में समझा हसीना, मैं सबसे निपट लूंगा, सबसे निपट लूंगा। छोड़ ना मेरा हाथ, मुझे खुजली हो रही है। अरे तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए अबे नहीं। छोड़ ना मेरा हाथ। अबे तू धड़ियल। साले मौत सर पे खड़ी है, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। अबे ढक्कन, ये हुलिया क्या बना रखा है? एसपी कुंदन सिंह किसी को छोड़ने वाला नहीं है। पहले पिंटो को मारा, फिर कमिश्नर साहब को गधे पे बिठाकर सारे शहर में घुमाया। अगर हमको देख लिया ना, तो साले हमको नंगा करके पूरे शहर में घुमाएगा। भैया, मैं तो शहर छोड़ के जा रहा हूँ। अरे भागने से क्या होगा बेवकूफ। अबे छोड़ लो, क्या कर रहा है? अबे गाड़ी रोक।
है कुत्ते की औलाद, एक रोज उसे जरूर बदला लूंगा, देख लेना तुम। हेलो, कौन? तेजा बोल रहा हूँ। मैं सुधीर बोल रहा हूँ। कुंदन का कुत्ता और बंदर मेरी और मैक की जान। जल्दी बोल, तुम जल्दी आ जाओ। कहाँ से बोल रहे हो तुम? शिकारवाड़ी से। तुम चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। हेलो, क्या कर रहे हो भैया? मैंने कुछ कहा है तुम्हें? मारा है तुम्हें? पीटा है तुम्हें? कुछ कहा है? मैंने कुछ किया है तुम्हारे साथ? किया तो आप लोगों ने था मेरे साथ। वो क्या बड़े बड़े पिलर्स के साथ, मोटे मोटे रस्सों के साथ यूं बांधकर आप क्या करते थे मेरे साथ? वो हाँ, गिले 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 गिले। हमारा जी चाहता आज हमारे साथ गिले गिले खेलिए खेलिए। होता है गिले गिले गिले। और आप तो बड़े प्यार से हमारी पप्पी लेते थे ना। एसपी साहब, हमारे दिन खराब थे, हमने आपके साथ बदतमीजी की। कोई बदतमीजी नहीं, पप्पी लेना कोई बदतमीजी होती है? लीजिए, आप फिर से एक पप्पी लीजिए। नहीं, लीजिए ना। नहीं, हमें माफ कर दीजिए प्लीज, हमें छोड़। हमें जाने दीजिए एसपी साहब, हमारे बाप दादा की दोबारा छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए। क्या कर रहे हो? अरे खामोश रहो भाई, मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मेरी तरफ से आप आजाद हैं, अब आप आजाद पंछी की तरह यहाँ से जा सकते हैं, चाहे तो फुर से उड़ सकते हैं। अरे डरते क्यों? ये हमारे लाडले हैं, ये खेलेंगे आपके साथ। नहीं एसपी साहब, खेलेंगे नहीं, ये काटेंगे, और काटेंगे तो पेट में 14 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। नहीं भैया, ये काटेंगे नहीं। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? ये तो मैं भी नहीं जानता। ये खेलेंगे, लेकिन उनका खेल मैं नहीं जानता। बस डरो मत। ए मोती राजा, आजा आजा, देखो इनके साथ जी भर के खेलो, इतना खेलो, इतना खेलो कि ये दोनों थक जाएं, और जब थक जाएं फिर घर चले आना। हाँ, समझ गए ना? शाबाश, ओके, बाय बाय। छोड़ दीजिए। बचाओ यार, मुझे बचाओ। चुप हो जाओ मुल्ला, मुझे माफ कर दो मेरे बाप। अगले जन्म में मैं तेरे घर में पैदा होऊंगा। अपनी बिरादरी का तो ख्याल रख, कभी बाप अपने बेटे को मारता है? तुझे क्या हो गया मेरे भाई? मुझे माफ कर दो। देख, तुझमें मुझमें कोई फर्क नहीं है, हमारी शक्ल भी इतनी मिलती है। यकीन नहीं आता तो पूरी दुनिया से पूछ लो, मुझे माफ कर दो। मेरा भाई तो गया, अब तुम अपने भाई को संभाल। ये बहुत गया तो मेरी जान जाती है। ब्रादर, चला कर दो मेरे बड़े भैया, अपने छोटे भाई की बात मान लो। इसका भाई इसकी बात सुन के कैसे चुपचाप चला गया, तू भी चुप हो जाए मेरे लाल, चुप हो जाए। अब देख वो क्या लाया है। पूंगी। पूंगी से क्या करेगा? अब ये बजाएगा। क्यों बजाएगा? एसपी साहब ने बोला था वो बजा के हमारे साथ खेलेगा। अरे कैसा खेल है मेरे बाप? अरे मैं इसे समझा। अबे बल्लन, ये सब तुम्हारा कसूर है। चलिए कुत्ते और बंदर से डरते हो? मैक, सुधीर,
क्या लगता है ब्रदर, इन जानवरों को बचाने के लिए वो एसपी अपनी जान को जोखिम में डालेगा? वो जानवर नहीं, उसके जिगर के टुकड़े हैं, उन्हें बचाने के लिए वो जरूर आएगा। कुत्ते और बंदर को फेंक दो ऊपर से, जाओ। एसपी कहाँ जाएगा है? क्यों राजा, ठीक है ना? पोती क्या नाराज है? अरे अरे सॉरी सॉरी यार, इसे लेकर आ जा। से मैं प्यार, तीर जो तूने मारा हुआ सीने से अरपार।
ही मैं छोरा मान चुकी हूँ हाँ। एजे गुरुजी, एजे गुरुजी, एजे गुरुजी, गुरुजी, एजे गुरुजी, एजे गुरुजी, एजे गुरुजी, गुरुजी। ओला ओला ओले तनड़ो दुखी मारो चोरी को कोई मनाओ गोरी को कोई सजाओ कहो एक रात दे 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 मुझे साथ दे 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 तू प्यार दे दे ले ले तू प्यार ले ले बचा ले लाख कोई आज बच न सकेगा शिकारी आज खुद यहाँ शिकार बनेगा देखना है आज किसमें कितना है दम तमाशा बनेगा कोई जमाना हंसेगा Eje guruji, 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 Ola ola ole. खतरे में मेरा ईमान है डर के मौजों से अगर घबराऊं मैं दिल की कश्ती को कहां ले जाऊं मैं आज साहिल पे भी एक तूफान है ये नीचे को भाग पीछे करो चलो उधर देखते कैसे हो गया तब मैं तुझे हॉस्पिटल ले चलता हूँ नहीं भैया नहीं मेरे पास बहुत बहुत कम है
भैया मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सकी, अपने भाई के खून का बदला नहीं ले सकी। वादा करो भैया मेरी प्रतिज्ञा तुम पूरी करोगे। हाँ सुनो। करोगे ना भैया? करोगे ना भैया? हाँ सुनो। हाँ करोगे ना? हाँ सुनो। मुझे मत मारिए ठाकुर साहब, मुझे 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 मत मारिए। तू ये मड़ोस खबर लेकर आया है कि कुंदन सिंह ने शन्नो को बचा लिया? अब ऐसी गलती नहीं होगी ठाकुर साहब, मुझे एक मौका दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, कुंदन सिंह तूने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरे छोटे भाई को भी मार दिया, मैं तेरे सारे खानदान का सत्यानाश कर दूंगा। क्या बात है? मेम साहब कहाँ हैं? हेलो ठाकुर साहब, हम एसपी की बीवी को लेकर आ गए हैं। हाँ ठीक है, तुम उसे हमारे ठिकाने पे ले आओ, हम वहीं आते हैं। जी अच्छा। अरे अरे ये तो बंद कर दिया है? तोड़ दो।
कुंदन सिंह आओ। खेल तुमने शुरू किया था, खत्म मैंने करना है। तू भूल रहा है शमशेर सिंह, ये खेल शुरू भी मैंने किया था और इस खेल का अंत भी मैं करूंगा। ज्योति कहां है? कहां है ज्योति? अपनी धर्म पत्नी से मिलना है हा? अभी मिला देते हैं तेरी धर्म पत्नी को। ए, ले आओ इसकी धर्म पत्नी को यहां। जरा धीरज धरो एसपी साहब, इतनी भी क्या बेसब्री है? कुत्ते की औलाद, अपने गंदे हाथ मेरी बीवी के शरीर से हटा ले। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा और वो जवाब ऐसा होगा जिसे सुनकर और देखकर तुम बेमौत मर जाओगे। ए गोली तेरी लुगाई की खोपड़ी के आर पार भी हो सकती थी, समझे? एक दे इस खिलौने को। औरत को मोहरा बनाकर ये जंग जीतना चाहता है? अरे पल भर ज्योति को दूर करके देख, तेरी हड्डियों का सुरमा न बना दूं तो मेरा नाम कुंदन सिंह नहीं। पल भर के लिए क्या, इसे सारी जिंदगी के लिए छोड़ देता हूं। ले। ज्योति, ज्योति क्या हो गया हमारे साथ? भगवान ने हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया? तुम मेरी फिक्र मत करो, उस बेईमान को मत छोड़ना। उसने हमारे मुन्ना को छीन लिया, उसे खत्म कर दो, उसे मार डालो। हाँ ज्योति, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, तेरी कसम मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ज्योति उसे खत्म कर दो, उसे मार डालो। कहाँ छुप गया साले? आ सामने। Ah!
सुनने नहीं थे ना जाने कितने मासूमों का घर उजाड़ा है इसने। मारो इसे, मारो। मेरा बुल्ला मुझसे छीन लिया। मारो इसे, मारो इसे, मारो। कुंदन सिंह, मुझे बख्श दे, मुझे बख्श दे, कुंदन। मर गया राक्षस, अपने बच्चे का कातिल मर गया ज्योति। देख, मैंने उसे मार डाला। उसने तेरे पवित्र शरीर को छुआ था ना, मैंने उसका अंग अंग तोड़ डाला ज्योति। देख, ये उसका कफन उसने संभाल कर रखा था।